नमस्कार दोस्तों, महाकाल न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज ना कोई फिल्म और ना कोई गाना का प्रमोशन करने वाले हैं, बल्कि एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यादव समाज बहुत दिनों से मांग कर रहा है अहिटेजमेंट का, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है और ना ही अहिटेजमेंट गठन करने का कोई फॉर्मूला बताया गया है। लेकिन यादव समाज बहुत दिनों से आंदोलन कर रहा है और कई बार ट्विटर पर भी ट्रेंड कर चुका है अहिटेजमेंट का मांग, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके अहिटेजमेंट का मांग और तेज होता जा रहा है। आपको बता दें, भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा अहिरों का योगदान है। अहिर समाज के लोग सबसे ज़्यादा सेना में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन अभी तक अही रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया। एक बात और आपको बता दें, रेजंगला का जब युद्ध हुआ था, 120 अहिर, जी हाँ 120 अहिर सैनिक ने 3300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और चीन को पीछे हटना पड़ा था। आप सोच सकते हैं, 120 अहिर सैनिक 3300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और चीन को अचानक पीछे हटना पड़ा, और चीन ने भी अहिरों का सम्मान करते हुए काफ़ी तारीफ किया था उस समय। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ। लेकिन अब के डेट में यूपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा इसका मांग बढ़ गया है और अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं। और खेसारी लाल और निरहुआ जी से मांग कर रहे हैं, जितने भी यादव समाज के जो एक्टर हैं, इनसे मांग कर रहे हैं कि आप लोग इस पर फिल्म बनाइए। और यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव को लोग चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका फैन फॉलोइंग है, और खेसारी लाल यादव जी से लोग मांग कर रहे हैं कि आप यादव समाज से हैं, आप इस पर एक फिल्म बनाइए, क्योंकि फिल्म बनेगा तो सरकार के ध्यान भी इसके ऊपर पड़ेगा और सरकार जल्द से जल्द अही रेजिमेंट का गठन करने का कवायद शुरू कर देगा। फिलहाल खेसारी जी को इस मुद्दे पर फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि द कश्मीर जैसी फिल्में बन सकती है तो अही रेजिमेंट पर भी फिल्में बन सकती है। फिलहाल इन सब बातों को लेकर आप सबका क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।